घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चोरों के हौसले हुए बुलंद, पुलिस के घर में दिया चोरी की घटना को अंजाम, नकदी सहित 12 लाख के जेवरात लेकर हुए फरार। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध खनन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया जब्त। हर्ष फायरिंग के दौरान बच्चे को लगी गोली, आरोपी मौके से हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रेमी ने की प्रेमिका के भाई की हत्या, चाकू से गोद कर की निर्मम हत्या, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आशा कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, घर घर जाकर टीवी को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर सहरसा से है, जहां भक्तियारपुर थाना क्षेत्र के बलवाहाट ओपी अंतर्गत सोनपुरा गांव में सेवानिर्मित सब इंस्पेक्टर के घर दबंगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें, इस दौरान घर में सब लोग सो रहे थे और रात में चोरों ने पीछे के दरवाजे से घुसकर घर से लगभग 10 लाख रुपए की जेवरात और 2.5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। मेरे करीबी हैं, इन ये दोनों आदमी गए थे ससुराल, और इनके पिताजी और मम्मी बाहर वाले रूम में सोए हुए थे। सुबह में पता चला कि इनके घर का ताला टूट गया, तोड़ा गया है, तोड़ करके चोरी किया गया है। घर का ताला, 2 घर का ताला टूटा हुआ था और गोदरेज बैग, इसमें रखा हुआ सारा सामान, ज्वेलरी और रुपए। कितना रुपए था? रुपए करीब 2.5 लाख रुपए था। ज्वेलरी कितना था? ज्वेलरी करीब हमारे समझ से समथिंग 12 के ऊपर ही होगा। 12 लाख का जेवर था और 2.5 लाख कैश। क्या लगता है आपको? अभी तक तो हम लोग क्लियर नहीं हो पाए हैं कौन ले गया है, लेकिन फिर भी गांव के ही कुछ आदमी पर शक है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने पंडई नदी में मिट्टी और बालू का अवैध खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। हालांकि इस कार्रवाई में चालक पकड़ में नहीं आ सके। बता दें, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंडई नदी में अवैध रूप से मिट्टी व बालू का खनन किया जा रहा है, जिसके आधार पर गश्ती दल को छापेमारी के लिए भेजा गया और पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रेलरों को जब्त किया है। खबर नालंदा से है, जहां देहपर ओपी थाना क्षेत्र इलाके के परमानंद बिघा गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक मासूम बच्चे को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के संबंध में मृतक बच्चे मोहित के पिता सुधीर कुमार ने पूरी जानकारी दी और बताया कि नशे की हालत में सभी हाथ में हथियार लेकर नाच रहे थे और मना करने के बावजूद भी इन लोगों ने करीब 15 रन हर्ष फायरिंग की। बता दें, बच्चे को गोली लगने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं।
कितना राउंड चला गोली? करीब 10-15 राउंड चला गोली। गोली लगा भी किसी को? हाँ लग गया हमारे पोता को। तो फिर क्या हुआ? मौत हो गया। तो वो लोग पी खा लेता क्या? हाँ पूरा पी ले खा लेता। तो गोली चला रहा था कहाँ? थी पंडाल में। पंडाल में तो मना उना नहीं किए थे आप लोग? मना करने पर भी नहीं सुना। तो बर्थडे कहाँ था रात? परमानंद में हम। क्या नाम हुआ आपका? छोटेलाल प्रसाद। पूरा राउंड गोली चला, उसमें 4-5 को पिस्टन से चल रहा था छोबा से। अच्छा। उसमें एक गोली धोखा हुआ तो हमारा बच्चा कहा करके लग गया। मौत हो गया? मौत हो गया। कितने की संख्या में थे वो लोग? ऐसे तो 10 गो के लड़कन के संख्या में इन्हें उन्हें आव ले ले पिस्टन, लेकिन नज़र में हमारा 6 गो के जो चिन्ह ली। तो बर्थडे उठे था क्या बताया? हाँ बर्थडे है। किनके यहाँ? नरेश गो के यहाँ पर पोती थी। और उसी में जो है मान लो कि केक काटने के दौरान में, बैलून फोड़ने के दौरान में जो है हर्षोल्लास में जो है मान लो जो है फायरिंग किया किसी ने, यही बात। बच्चा को गोली लगा है? बच्चा को गोली लगा, 6-7 बरस का बच्चा। तो मौत भी हुआ है? मौत। तो कौन लोग था जो गोली चलाया? कितना संख्या में था ये? किनका? कितना संख्या में था गोली चलाने वाला? अब गोली चलाने का उम्र तो हम लोग तो बोल रहे हैं 10 लोग पता है। कहाँ ये हो रहा था? बर्थडे था ये? बर्थडे था कहाँ? बर्थडे वो पीछे में मनाया जा रहा। कौन इलाका? यही घर का मतलब लोग मना रहा था पीछे। गाँव कौन है? परमानंद बिघा। बख्तियारपुर में रजौली के बीच बन रहे 4-लाइन कंस्ट्रक्शन के कार्य में घोर लापरवाही की वजह से आज सुबह हरनौत बाजार के चंडी मोड़ के समीप अर्धनिर्मित पुल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। बता दें कि हरनौत बाजार में लगभग 2.5 किलोमीटर तक ओवरब्रिज पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लगभग 50% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है। वहीं पुल निर्माण के दौरान अचानक पुल का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बता दें इस हादसे में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। काम चल रहा था उस टाइम, ढलाई हो रहा था। कोई हताहत हुआ है? कोई हताहत हुआ है? आप यहाँ काम करते हैं? क्या नाम हुआ आपका? नाम कमलेश। कौन जगह ये? जगह ये का नाम पूछे है? चंडी रोड, चंडी मोड़। खबर नालंदा से है, जहां जिला अंतर्गत रहुई प्रखंड के प्रखंड कार्यालय के शिव मंदिर के पास सोमवार को भारतीय क्रांतिकारी किसान संघ रहुई कार्यकारिणी संगठन की बैठक की गई। बता दें इस बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस बैठक में कृषि से जुड़े निम्न मुद्दा पर चर्चा की गई। बता दें इस मौके पर आनंदी प्रसाद व राम अवतार के साथ सुरेंद्र यादव व कैलाश यादव समेत कई सदस्य मौजूद रहे। कुछ उसका दाम है लेना चाहिए, 600 रुपये तक खरीद के खाद दिया, और यहाँ का डीओ, जिलाधिकारी और अन्य पदाधिकारी कान पर हाथ धर के सोए रहे। एक समस्या है, यहाँ सर्वे चल रही है और प्रत्येक किसान से 1-2 लाख लूटा जा रहा है। अंचल में क्या बोलता है सीओ कर्मचारी मिलकर लूटते हैं। क्रांतिकारी किसान संघ की बैठक की अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष परमेश्वर राजेंद्र बाबू कर रहे हैं। हम लोगों ने आगे की रणनीति, किसान के साथ जो दोहरी नीति सरकार और केंद्र सरकार की हो रहा है, इस पर हम स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म दिवस पर व्यापक किसान आंदोलन को उठा करके आगे की रणनीति तय करेंगे, और सारी जो रणनीति मेरी होगी वो सारे के सारे हम। खबर बेतिया से है, जहां प्रेम में असफल प्रेमी ने प्रेमिका के भाई की चाकू से गोद गोद कर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और रामनगर प्रभारी SDPO अर्जुन प्रसाद मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। तेरा भतीजा के मुआ दल तेरा भतीजा के, तो एगो हमारा छोट भतीजा रहा वह लेके आओ तोरा लड़कुआ के, दूसर क्यों ना लेके आओ, ये मकसूद ना लेके काम है, दूसर क्यों नहीं के मर रहे हमारा भतीजा के। प्रेम प्रसंग वाला कुछ मैटर होगा? हाँ का
वह 8000 रुपये काल डांट दौलत सोन और वह हमारा भतीजा के मरल बारह सौ का कितने प्रेम प्रसंग रहे मतलब प्रेम प्रसंग हमारा भतीजी से बतियाओ चल हाँ तो वही पूर्व आदमी मान गए चलो बतिया ले कुछ लड़का के भी तो मना जा रहा निकाह पढ़ाल गए लड़के लोग फोन कैल रहे ये बात से तो लड़का इनकार रहे बाकी केहू तक कह निकाह पढ़ाओ 8000 रुपये दौलत सोन आए हम हमारा भतीजा कितना दिन से फोन से बात होते रहे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज की चयनित आशा कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर टीबी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बता दें टीबी के लक्षणों वाले मरीजों के सैंपल लेने और उनको जागरूक करने का काम भी करेंगी। वहीं जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर टीएन प्रसाद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सक्रिय टीबी रोग खोज अभियान शुरू करने की तैयारी में है और उन्होंने बताया कि 2025 तक जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होगी। देश जीतेगा जिसमें सभी फैसिलिटियों को बताया जा रहा है कैसे आशा लोगों को आप ट्रेन कीजिएगा कैसे पढ़ाइएगा पैसा के बारे में फिर बताया जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के डेट में है निश्चय मित्र बनाना। कोई भी आदमी टीबी का मरीज को निश्चय मित्र बना सकता है और हर महीना 6 महीना तक 1000 रुपये का खाना पीना पोषक सहायता राशि उसको दे सकता है। आप भी बन सकते हैं कोई भी प्रखंड का आदमी बन सकता है। खबर रोहतास जिले से है जहां नगर निगम के चवर तकिया वार्ड संख्या 25 में नाली की सफाई नहीं होने से नाली में जल जमाव और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बता दें बिना बरसात के वार्ड नंबर 25 में नाली के गंदे पानी के जमाव से लोगों को महामारी फैलने का भय सता रहा है। वहीं चवर तकिया वार्ड नंबर 25 के अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम सासाराम के पदाधिकारियों को कई बार सूचना देने के बावजूद भी नाली की सफाई नहीं कराई गई है और नालियों में जल जमाव होने के कारण मोहल्ले वासियों को अपने घरों से निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तकिया महला है 25 नंबर वार्ड है यहाँ नलियों का कोई सफाई नहीं हो रहा है बिना बरसात का पानी जाम लग जा रहा है। इसको लेकर आप लोग सूचना दिए नगर पालिका में हम लोग सूचना दिए हाँ। सूचना देने के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं है इस पानी का निकासी नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार सिंह चमरतकिया वार्ड नंबर 25। खबर सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत टूठी पंचायत से है जहां पर पूर्वी कोसी मुख्य नगर के स्क्रैप चैनल का फाटक टूटने से पुल ध्वस्त हो गया। बता दें 1962 ईस्वी में बने ये पुल को मेंटेनेंस में सिंचाई विभाग ने लापरवाही की जिसकी वजह से यातायात बाधित हो जाने से जिले के अंतिम पंचायत दो भागों में बट गए। तो बताइए ये जो पुल बना हुआ है ये 1960-65 ईस्वी में ही बना था। लगभग 50 वर्ष पूर्व में ये पुल एस्केप बना हुआ था जो मेन किनाल का पानी को सुरसर में फ्लो होने पे छोड़ा जाता था समय समय पर। इसी के लिए वो एस्केप बना हुआ था और पानी मेन किनाल में पानी अधिक मात्रा में छोड़ा गया पानी का फ्लो ज़्यादा था उसके प्रेशर और दबाव से ये पदाधिकारी का कहना है कि मात्र 1300 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया था जिसके कारण वो उसी में टूट गया था। तो आपका तो इसका मतलब पुल का काम गलत हुआ था उस समय में टूट गया है ये कि क्या कारण था कि सर टूट गया? ये पुराना स्ट्रक्चर है 1962 का बना हुआ है हर चीज़ की लाइफ होती है पुराना है तो कभी भी कुछ हो सकता है। आखिर सर आप लोग इस पर जांच इससे पहले इसका सर्वे ने जांच नहीं की थी? इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा था जांच। अब ऐसे त्रासदी आता है या कुछ होता है अनहोनी तो कुछ भी हो सकता है उसको तो टाला नहीं जा सकता। वैसे सर ये पानी तो उतना लोडिंग कितना जेडीयू में बगावत का बिगुल फूंक चुके उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार की नहीं शरद यादव की बनाई हुई पार्टी है। नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई थी और बाद में शरद यादव को निकालकर जेडीयू पर कब्जा कर लिया है। ये समर्थक नीतीश कुमार के नहीं करोड़ों समर्थकों की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि ललन सिंह ने मेरे बयान को सही साबित कर दिया था
कि हमको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर झुंझुना थमाया गया था। कोई हो सकता है नीतीश कुमार क्यों गए? नीतीश कुमार आरजेडी के साथ क्यों गए? उसे इस बात का दम है। अरे उस हम ये पूछ रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए, वो राष्ट्रीय समता पार्टी में गए, वो आरएलएसपी बनाए, सिर्फ अपने लिए बनाए, न कि कोई पार्टी के आज महात्मा फूले बना के रखे हुए हैं। पायलट कमेटी यहाँ यहाँ जब आरएलएसपी का विलय कर लिए तो फिर पायलट कमेटी बना के चलाने की क्या जरूरत है? आप तो शुरुआती दिनों से ही आप पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आप जान लीजिए उपिंदर जी कि आपका वही हर्ष होगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सोमवार शाम सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई। बता दें कि प्रखंड मुख्यालय में 5 किलोमीटर दूर स्थित इचेहोस पेट्रोल टंकी के समीप विपरीत दिशा से आ रही टेम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी और मौके पर अधेड़ की मौत हो गई। घटना के बाद टेम्पो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। बता दें कि मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव के समीप का है। उस जगह के चूहो से गांव के समीप वो दुर्गा मंदिर है, रोड कौन गाँव चूहो कहाँ पड़ता है? ये इस्लामपुर थाना। काहे के लिए वहीं रहते हैं? नहीं, जानवर देखने के लिए। जानवर देखने के लिए गए थे? कहाँ से गए थे? इस्लामपुर से। इस्लामपुर से घर हुआ गोमहर। कहाँ? गोमहर घर हुआ, एकांगर थाना पड़ता है। क्या चीज़ से गए थे? मोटरसाइकिल। तो क्या चीज़ से टक्कर हुआ है? टेम्पो से। कितने लोग की मृत्यु और कितने लोग जख्मी हैं? उनका स्पॉट है। क्या नाम है? नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के चुनाव में 152 वोटर लाकर विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार अध्यक्ष बन गए हैं। अमरेंद्र कुमार 107 वोट लाकर रनर रहे। इस प्रकार जितेंद्र कुमार ने पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार को 45 वोट से मात दी। अध्यक्ष और निदेशक मंडल के चुनाव के लिए दिन भी गहमा गहमी बनी रही। कुल 263 में से 262 वोटरों ने मतदान किया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के दावेदार श्रम कल्याण केंद्र में मोर्चा बनाकर डटे रहे। यहीं से प्रत्याशी के लोग गोलबंदी करते रहे। देर शाम तक चली मतगणना के बाद एआरओ सह बीडीओ अंजन दत्ता ने परिणाम की घोषणा की। चुनाव में विजय होने की सूचना के बाद श्रम कल्याण के मैदान में जुटे अध्यक्ष के समर्थक जितेंद्र कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जीत का श्रेय नालंदा जिला के सभी सम्माननीय पैक्स एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष को देते हैं और मैं अपनी ओर से नालंदा जिला के सभी सम्माननीय पैक्स एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष को हार्दिक अभिनंदन एवं नंदन करता हूं। प्राथमिकता यही है हमारी, जो हमारा नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक का जो गरिमा रहा है, जो इतिहास रहा है,
उस गरिमा को पुनः लौटाना, जो माहौल अव्यवस्थित हो गया है उसे व्यवस्थित करना ही मेरा एजेंडा है। और पैक्स अध्यक्षों को कोई परेशानी नहीं हो, हमारे केंद्रीय बैंक में, हमारे कोऑपरेटिव बैंक में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, सरल हो, सुगम हो और लोगों का शासन हो। हम तो यही कहेंगे कि सबका शासन हो और जो लोगों का निर्णय होगा हमारे सभी सम्माननीय पैक्स अध्यक्षगण का और सम्माननीय व्यापार मंडल अध्यक्षगण का, वही हमारा निर्णय होगा और वही बैंक का प्रोसीडिंग होगा। खबर भागलपुर से है, जहां जिला अध्यक्ष रंजन यादव की अध्यक्षता में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें जन वितरण दुकानदारों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्मानित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के विक्रेता बंधु आज से 9 फरवरी तक अपनी पोस मशीन बंद रखकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। वहीं 22 मार्च को सभी सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के विक्रेता बंधु दिल्ली जाकर संसद भवन का घेराव करेंगे। सबों का भागलपुर के प्राइस डीलर एसोसिएशन हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। साथियों, हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से भागलपुर जिला में इतिहास रचने का जो काम किया, उसके लिए जिला एसोसिएशन आप लोगों को बधाई और आभार प्रकट करती है। हम लोगों ने जो प्रस्ताव जिला एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मेलन में लिया था, उसके अपेक्ष में दो तीन बातें उभर कर आई, जिसको लेकर अति आवश्यक बैठक का आयोजन। खबर नवादा से है, जहां पुरानी जेल रोड से रविदास जी की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं, बच्चे, बच्चियां नाच गाकर जमकर झूमी। दरअसल कार्यकर्ताओं ने आज प्रतिमा का विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली और पूरे शहर में गाजे बाजे के साथ संत रविदास जी की शोभा यात्रा का समापन किया गया। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली के रघुनाथपुर बाजार में पिछले दिनों हुई पेट्रोल पंप लूट कांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इसको लेकर सुगौली थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि लूट कांड वाले पेट्रोल पंप के सीसीटीवी के फुटेज को निकाला गया, जिसके आधार पर लूट की घटना पर नजर आते हुए बारीकी से मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसमें 3 लोगों को हथियार के साथ मोतिहारी शहरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। कुल 16 कांडों का उद्भेदन हुआ है। जो पहली टीम थी एस पी चकिया के नेतृत्व में, जिसमें कि एसएचओ चकिया और जेएसआई विश्वजीत कुमार जो हैं और बाकी जो टीम में थे, तो इनके प्रयासों से कुल 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। रोहित कुमार चकिया थाना के, शत्रुघ्न कुमार चकिया थाना के। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 2 फायर खोखा, लूटा हुआ 1 लैपटॉप, लूटा हुआ 1 टैब और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इस उद्भेदन से कुल 5 कांडों का खुलासा हुआ है, जिसमें कि 4 चकिया में लूट की घटनाएँ हुई थी और 1 कल्याणपुर थाना का मामला है। दूसरे महत्वपूर्ण जो कार्रवाई हुई है, इसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया है, गुड्डू सहनी, सुकेश कुमार, जिगरुल्ला अंसारी। इनके पास खबर मधुबनी से है, जहां के डीपीओ राजेश मिश्रा रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। बताया जा रहा है कि राजेश मिश्रा रविवार दोपहर अपने घर से अकेले निकले थे। देर शाम जब नहीं लौटे तो परिजनों ने आसपास खोजबीन की, कोई सुराग नहीं मिलने पर अहियापुर थाने पहुंचे और शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दिन का करीब 1:30-2 बजे से घर से निकले हैं, जो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और लापता हैं। इसका सूचना में उनके परिजन द्वारा ही बताया गया कि कुछ एक मोबाइल नंबर से कॉल किया जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि आपका कुछ वीडियो मेरे पास है, अगर आप हमें पैसा उपलब्ध नहीं करेगा तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, इस तरह का बात उसमें आ रहे थे। वो काफ़ी दबाव में थे और उस नंबर पर इनके द्वारा 1-2 टर्म में पैसा भी कुछ भेजा गया था और उसी संदर्भ में ये मोबाइल स्विच ऑफ करके, और अभी इनका पता कुछ नहीं चल रहा है, तो हम लोग अपहरण का केस अहियापुर थाना में दर्ज करवाए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक नहीं आए,
कितने बजे कल गायब हुए? 1:15 बजे घर से निकले। अच्छा, अकाउंट से पैसा निकालने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ इसमें नहीं, कुछ मेरे को इसकी कोई जानकारी। अच्छा, किसी अपहरण की आशंका भी है क्या? हाँ, तो दूसरा क्या हो सकता है, अपहरण ही हो सकता है ना, कहाँ जा सकते हैं। किसी से पहले यानी जमीनी विवाद को लेकर या कुछ यानी काम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पहले से कुछ परेशान वगैरह दिख रहे थे क्या? कुछ भी नहीं, नॉर्मल थे, थोड़ा शांत-शांत थे बस। क्या लोकेशन क्या था जब गायब हुए हो, तो कहाँ से? लोकेशन घर से आयाची ग्राम रोड नंबर 5 में मेरा घर है, वहाँ से वो निकले। कैमूर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां दुर्गावती थाना क्षेत्र के इटनी नहर के पास से दुर्गावती पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद की है। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यहां एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके पास से 147 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पकड़ा गया आरोपी पटना का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी को थाने में ले जाकर आगे की पूछताछ कर रही है। खबर नवादा से है, जहां सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ निवेशक और अभिकर्ता ने जोरदार प्रदर्शन किया। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि हमारी 5 मांग है। उन 5 मांगों में पहला मांग सहारा समूह की उम्र क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को सहकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ है, मैं जमा धन में ब्याज सहित वापस करने के लिए भारत सरकार केंद्रीय रजिस्ट्रार को राहत पैकेज तत्काल दें। सरकार, बिहार सरकार और वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, सभी लोगों को ज्ञापन दे करके हर थक गए, आखिरी सोच करके जिला महोदय को अवगत कराने के लिए आए हैं कि अगर 180 कार्य दिवस के अंतर्गत हम लोगों को भुगतान नहीं कराया जाता है, तो हम लोग निर्णय लिए हैं कि जितने भी कार्यकर्ता साथीगण हैं और जमाकर्ता लोग हैं, सभी एक मत हो करके सामूहिक आत्मदाह इसी जगह रोड पर आ करके करेंगे, जिसका सारा उत्तरदायी बिहार सरकार और भारत सरकार प्रशासन। नालंदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निवेशक पद पर चुनाव भले ही 7 बजे से शुरू हुआ हो, लेकिन जीत के दावे अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे दोनों प्रत्याशी अभी से ही करना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि नालंदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर एक तरफ अस्थमा विधानसभा के जदयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार और निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार मुन्ना चुनावी मैदान में है। वहीं इस चुनाव को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि जीत की हवा बन चुकी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होने की बाकी है। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार मुन्ना ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से हमने बैंक, पैक्स और व्यापार मंडल का काफी विकास करने का काम किया है और लोगों में हमारे प्रति काफी विश्वास भी बढ़ा है, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ भांति हमारे प्रति फैलाई गई है, लेकिन उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 में बैंक का निदेशक मंडल का चुनाव हुआ था, उसमें हमें अध्यक्ष बनाने का यहाँ के पैक्स, सम्मानित पैक्स व्यापार मंडल के अध्यक्षों ने अवसर प्राप्त कराया था। इन 5 वर्षों में बैंक और पैक्सों का, व्यापार मंडलों का काफ़ी विकास हुआ है और लोगों पर काफ़ी विश्वास बढ़ा है। इस बार के चुनाव में कुछ भ्रांतियाँ फैलाने का काम किया गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसमें, जिसकी आत्मा में बसा हुआ है, वो काम के आधार पर अवश्य वोट मिलेगा, मत मिलेगा और विजय प्राप्त पुनः होंगे और पुनः
बैंक के विकास में हम काम करते रहे। हम आभार प्रकट कर रहे हैं सभी जिला के समस्त सम्मानीय पैक्स अध्यक्षगण को एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षगण को। हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उनका अपार जन समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। बिहार की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।